इस समय तो अंबानी फैमिली के ही चर्चे हो रहे हैं। नीता अंबानी से लेकर श्लोका मेहता तक सब अपने लुक से सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनकी डिजाइनर आउटफिट्स और ज्वेलरी लोगों को खूब पसंद आ रही है। ज्वेलरी की बात करें तो 3 दिन के इवेंट में सबकी एक खास च्वाइस की ही ज्वेलरी सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है। जी हाँ, नीता अंबानी से लेकर सारा अली खान तक सब ग्रीन कलर की ज्वेलरी कैरी किए नजर आई। चलिए आपको सबकी ज्वेलरी की एक लुक दिखाते हैं और इन्हें देखकर आप बताइए कि आपको किसका नेकपीस पसंद आया और किसके इयररिंग्स। नीता अंबानी ने दूसरे दिन मेहरून ड्रेस के साथ भी पन्ने और डायमंड से जड़ी ज्वेलरी पहनी थी और तीसरे दिन भी एम्ब्रॉयड और डायमंड की हैवी ज्वेलरी पहनी थी। नीता की दोनों टाइम्स की ज्वेलरी बहुत प्यारी थी, लेकिन गले में हरे रंग के बड़े स्टोन वाला डायमंड नेकलेस काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। नीता की तरह उनकी बेटी ने भी दूसरे और तीसरे दिन ग्रीन ज्वेलरी ही चुनी। हीरे और पन्ने से जड़ी इस ग्रीन ज्वेलरी को सब देखते ही रह गए। ईशानी नेकलेस, रिंग्स, इयररिंग्स, यहाँ तक कि कंगन भी पन्ने और हीरे से जड़े ही पहने थे। आपको ईशा की कौन सी ग्रीन ज्वेलरी पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा बीटाउन में भी ऐसी बहुत सी दीवार थी जिन्होंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी कैरी की। सारा अली खान ने पहले दिन के इवेंट में ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने ग्रीन और व्हाइट डायमंड का जिगजैग नेकलेस पहना था। दीपिका पादुकोण भी पहले दिन ब्लैक कलर की फ्लोरल लेंथ फ्रॉक पहनी नजर आई थी, जिसके साथ दीपिका ने ग्रीन ज्वेलरी कैरी की। दीपिका की एम्ब्रॉयड ज्वेलरी उन्हें क्लासी और एलिगेंट लुक दे रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी अपने परिवार के साथ इवेंट में शामिल रही। इवांका ने संगीत नाइट पर व्हाइट लहंगे के साथ डायमंड और एम्ब्रॉयड का खूबसूरत नेकलेस भी पहना था, जिसके साथ मैचिंग रिंग, इयररिंग्स और मांग टीका था। सोना कपूर ने दूसरे दिन के इवेंट में व्हाइट लहंगा पहना था और इसके साथ मोती हीरे और पन्ने की खूबसूरत ज्वेलरी। सोनम की ज्वेलरी उन्हें रॉयल लुक दे रही थी। वहीं सोनाली ने भी व्हाइट ड्रेस के साथ ग्रीन ज्वेलरी ही कैरी की थी। जया बच्चन साड़ी पहने नजर आई थी। जया की गोल्डन साड़ी तो लोगों को इतनी खास नहीं लगी, लेकिन गले में पहना मोटा ग्रीन स्टोन वाला नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स काफी हाईलाइट हुए। लेकिन कुछ ने उन्हें ट्रोल किया कि ज्वेलरी तो खूबसूरत है लेकिन उन्हें इतना सूट नहीं कर रही। तो देखा आपने ग्रीन ज्वेलरी का इन दिनों कितना क्रेज देखने को मिल रहा है। वैसे आपको किसकी एम्ब्रॉयड ज्वेलरी सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।